आठ छत्तीस डोगा। अगर हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था पूर्व की घटनाओं के आधार पर करते हैं तो अधूरी है सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि आतंकवादी हमेशा नई योजनाएं बनाकर आते हैं। वो एक ही युक्ति को दोहराते नहीं, उससे एक स्टेप आगे सोचते हैं। हमें उनसे दो स्टेप आगे सोचना होगा। यदि जिंदा रहना है तो चौकन्ना रहना होगा। मैं चौकन्ना था, इसलिए यह आज मेरे कब्जे में है। डेविस कोलमैन से तेरा संबंध होना, तेरा चोरी छुपे मुंबई आना और आज 26/11 होना, यह सभी तथ्य चीख चीख कर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि एक बार फिर आतंकवाद ने अपनी घिनौनी निगाहें उठाई हैं मुंबई की ओर। एक बार फिर किसी घिनौनी घटना को अंजाम देने के लिए रखे तूने अपने नापाक कदम मुंबई की धरती पर। परंतु अपने और मुंबई के बीच अभेद चट्टान बनकर खड़ा डोगा नहीं दिखा तुझे? बता कमीने, क्यों भेजा है तेरे बाप डेविस कोलमैन ने तुझे मुंबई? बता दे, शायद डोगा तुझ पर रहम खाकर भीख पर तुझे आसान मौत दे दे। हा हा हा, सच्चे फिदाइन को मौत का खौफ दिखा रहा है डोगा, उसे जो पैदा ही आज़ादी की खातर अपनी जान देने के लिए हुआ है। वक्त बर्बाद मत कर ईटीसी, वरना डोगा तेरी वो गत बनाएगा कि तेरी गिनती न मुर्दों में होगी न जिंदों में। सही कहा डोगा, तेरी मेरी गिनती तो शहीदों में होगी, पर मेरी कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी। मेरी मौत के बाद एक ऐसा धमाका होगा जो पूरे हिंदुस्तान की ज़िंदगी बदल देगा चुटकियों में। सिर्फ आधे घंटे बाद चुटकी धमाके में बदल जाएगी। नो, ओह, इसने तो अपने मुंह में साइनाइड कैप्सूल छुपा रखा। इसके पास मात्र यह कागज का टुकड़ा मिला है, ETC 9368362611। ये तो किसी का मोबाइल नंबर लगता है। The number you have dialed does not exist. ओह, ये घड़ी तो बेकार साबित हुई। अब इसका लैपटॉप ही आखिरी उम्मीद है। डैम इट, किस धमाके की बात कर रहा था ETC? मुंबई में कोई बॉम्ब प्लांट किया है इसने? अगर हाँ तो कहाँ प्लांट किया होगा इतनी बड़ी मुंबई में बॉम्ब? मेरे पास मात्र आधा घंटा है उस धमाके को रोकने के लिए, बॉम्ब का क्लू ढूंढने के लिए। कल से लेकर अभी तक के सारे घटनाक्रम को एक बार फिर से दिमाग में दोहराना होगा। कल सुबह लॉयन जिम में मेरे पास डेविस कोलमैन का फोन आया था, जो कि जिम का मेंबर व मेरा अच्छा मित्र था और पिछले महीने ही शिकागो गया था। डेविस माय फ्रेंड, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ सूरज, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। एनीथिंग फॉर यू माय फ्रेंड। मेरा एक खास मित्र आज शाम समुद्री रास्ते से मुंबई आ रहा है, क्या तुम उसे रिसीव कर के एक दो दिन उसके रहने का बंदोबस्त कर सकते हो? यह भी कोई कहने की बात है, दोस्त का दोस्त तो अपना भी दोस्त हुआ, पर इस खास दोस्त का नाम तो बताओ। एहतराम उल, तारीख़ चिनाब। अरे बाप रे, इतना लंबा नाम, तुम उसे ETC बुला सकते हो। हाँ ये ठीक है, परंतु बाकी डिटेल्स भी तो बताओ भाई। ETC आज शाम 5:30 ब्लू क्वीन नामक शिप से मुंबई पहुंचेगा। FBI के डेविस कोलमैन नामक व्यक्ति को कई बड़े आतंकी संगठनों से संबंधित होने के आरोप में शिकागो एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया। FBI के मुताबिक डेविस कोलमैन पिछले वर्ष मुंबई में 26/11 को हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है, और इस साल भी 26/11 को हिंदुस्तान में एक बड़ी आतंकी कार्रवाई की प्लानिंग कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि अदरक चाचा कि हमने जिसे दोस्त समझकर गले लगाया, उसी ने आस्तीन का सांप बनकर हमारी पीठ में छुरा घोंपा। इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है बेटे कि हम पुलिस को जल्द से जल्द यह बताएं कि डेविस कॉलोनी में पिछले साल हमले के दौरान यह लॉन्च जेल में था। पुलिस के पास जाने से पहले मुझे मुंबई बंदरगाह पहुंचना है। ETC का 26/11 से ठीक एक दिन पहले मुंबई आना और उसका डेविस कोलमैन का दोस्त होना मात्र संयोग नहीं हो सकता। डेविस को नापाक इरादे को अमली जावा पहनाने आ रहा ETC, परंतु ब्लू क्वीन जहाज पर ETC ना मिला मुझे। डेविस कोलमैन की गिरफ्तारी की खबर लग गई थी शायद उसे। उसके बाद एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाने में पहुंचा पुलिस के पास। मैं जो कुछ भी जानता था मैंने आपको बता दिया इंस्पेक्टर। अब अगर ETC को जल्द ही ढूंढ कर गिरफ्तार नहीं किया गया तो देश एक और 26/11 से दहल उठेगा। वाघ मारे, चाय लेके आबे। कानून के मददगार की गुनाहगार साबित करने वाले कानून के रखवाले डेविस कोलमैन के दोस्त को ढूंढने का क्या फायदा जिसका मुंबई में कोई अता पता ही नहीं, वो भी तब जब उसका वो दोस्त हमारे सामने बैठा है जिसके साथ उसने 26/11 की प्लानिंग की थी।
आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम कहाँ लगा रहे हैं, तुमने खुद ही तो अभी कबूल किया कि पिछले साल 26/11 को एक डेविस कॉल में तुम्हारे जिम में मौजूद था। ईटीसी को ढूंढने के बजाय इंटरोगेशन के नाम पर मुझे रात भर के लिए लॉकअप में डाल दिया गया। सुबह अदरक चाचा वकील के साथ पुलिस स्टेशन आए जमानत करवाने। तुम बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए ना ही शहर से कहीं बाहर जा सकते हो और ना ही मीडिया से इसके बारे में कोई बात कर सकते हो। यह नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। वो तो मैं देख ही चुका हूँ, सूरज अपना फ़र्ज़ अदा कर चुका था, अब डोगा को अपना फ़र्ज़ अदा करना था। मुंबई शहर में ईटीसी का खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने के समान था, पर कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही थी। तुम्हारे बताए होलियों से मिलता जुलता एक शख्स कल इस जहाज से आया तो था डोगा, काफ़ी हड़बड़ी में था, वो उधर टैक्सी स्टैंड की ओर गया था, वो शायद वहाँ से कोई टैक्सी पकड़ी उसने। काफ़ी देर के अथक प्रयास के बाद अंततः मिल ही गया वो टैक्सी वाला। हाँ डोगा पाप, इस हुलिये वाला वो पंटर कल अपन की टैक्सी में बैठेला था। वो हरामी 580 किराए के बदले अपन को 1000 का नोट दिया, छुट्टर छुट्टर रख ले बोला बोल को, पर बाद में अपन चेक किया तो नोट नकली था बाप। मुफ्त में 420 रुपये कमाने के लालच में तुझे नोट चेक करने का ख्याल नहीं आया, कहाँ छोड़ा था उसे? चांद मुबारक होटल। अपुन ने उसको होटल चांद मुबारक छोड़ा था, उसके बाद वो किधर को गया अपुन को नहीं मालूम बाप। टैक्सी वाले के बताए पते पर पहुंचा मैं, चारों ओर विचलित कर देने और विचित सन्नाटा और खामोशी में टटोलती निगाहें थीं। होटल मालिक की निगाहों में मुझे देखकर पनपता खौफ इस बात की पुष्टि कर रहा था कि वो जानता था कि मैं वहाँ क्या करने आया हूँ। ट्रेन ट्रेन डोगा को रूम नंबर 108 में भेज, उसके जनाजे का टाइम हो गया लाया। मैं जानता था कि उस दरवाजे के पीछे मौत मेरा इंतज़ार कर रही थी, पर दरवाज़ा तो खोलना ही था, मौत भी आनी ही थी। आखिरी गोली ख़त्म होने के बाद ही फायरिंग रुकी, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे शायद वो, पर रिस्क तो ले ही चुके थे। अब खामियाजा तो भगत नहीं था, उनमें से किसी का भी हुलिया ईटीसी से नहीं मिलता था, यानी उन्हें जिंदा छोड़ने की कोई वजह नहीं थी। भटाक, तेरे मुंह से गन में सिर्फ एक ही बार बाहर निकालूंगा, अगर तेरे हलक से मेरे सवालों के जवाब के बजाय कुछ और बाहर आया तो नाल वापस मुंह में डालकर गोली चला दूंगा। गोली मुंह में चलेगी, खून कहीं और निकलेगा। बता ईटीसी कौन है, यहाँ मुंबई किस मकसद से आया है और अभी कहाँ है? जैसे कि मुझे उम्मीद थी, मौत से ज़्यादा मौत का डर इंसान को तोड़ता है। टेप रिकॉर्डर की तरह बजना शुरू हो गया वो घंटा। ईटीसी किसी बड़े आतंकवादी संगठन के लिए काम करता है, डेविस के कहने पर वो यहाँ उसके किसी दोस्त के घर पर टिकने वाला था। पढ़, कल शिकागो में डेविस की गिरफ्तारी का न्यूज़ मिलते ही अखा प्लान चेंज हो गया। अपुन को ऊपर से फ़ोन आया कि वो यहाँ होटल चांद मुबारक आएगा और अपुन को पहचान के तौर पर एक लाल रुमाल देगा, बदले में अपुन को उसे एक लिफाफा देने का था जो अपुन उसको दे दिया। बस बाप, अपुन इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानता, वो यहाँ से किधर गया अपुन को नहीं मालूम बाप। क्या था उस लिफाफे में? अब्बा कसम खा के बोलता है बाप, अपुन को नहीं मालूम। ऊपर से सख्त ऑर्डर था कि लिफाफे का सील खुलना नहीं मांगता। पड़ उसकी मोटाई से लगता था कि उसके कागज का कोई टुकड़ा हो इनका, बहुत पतला लिफाफा था। वो रुमाल कहाँ है जो उसने तुझे पहचान के तौर पर दिया था? मौत के भय से पीला पड़ा उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वह झूठ नहीं बोल रहा, वो वाकई उससे ज़्यादा नहीं जानता था। ये रहा बाप, इन बाहर से आए आतंकवादियों से बड़े गुनाहगार तेरे जैसे लोग हैं जो चंद पैसों के लालच में लाखों करोड़ों मासूम की जिंदगियां बेच देते हैं। गोली चलाने पर खून कहाँ से निकला था वो देखने के लिए मैं वहाँ रुका नहीं। उस रुमाल में एक खास किस्म के ईरानी इत्र की गंध थी, मैंने वह रुमाल अपनी डॉग स्क्वाड को सुंघाया और डॉग स्क्वाड पूरी मुंबई में मेरी आँखें बनकर ईटीसी की तलाश करने लगी और अंततः मैं पहुँच ही गया ईटीसी तक। डेट 26/11/2009, टाइम 8:15। पर इससे पहले कि मैं इससे कुछ भी जान पाता, इसने खुद को ख़त्म कर दिया। उफ, सारा घटनाक्रम दोहरा लिया, लेकिन फिर भी कोई क्लू नहीं मिल रहा कि आखिर इसने बॉम्ब कहाँ प्लांट किया है। समय तेजी से निकलता जा रहा है, कोई भी समाधान नहीं दिख रहा। तो क्या एक और 26/11 होने से नहीं रोक पाएगा डोगा? पिछले साल 26/11 को हम सब चुप रहे, पर अब चुप नहीं रहेंगे। आज रात 8:36 से 9:36 एक घंटे तक कीजिए अपनों को कॉल, हर कॉल से मिला पैसा युक्ति कम्युनिकेशन देगी इंडियन पुलिस फोर्स को बेहतर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए।
तो चुप मत रहिए, अपने मन की बात कहिए। युक्ति कम्युनिकेशन के जरिए एक्सप्रेस योर इमोशन थ्रू कम्युनिकेशन, जिंदगी बदल जाए चुटकियों में। ईटीसी ने कहा था कि ऐसा धमाका होगा जो पूरे हिंदुस्तान की जिंदगी बदल देगा चुटकियों में। होली शिट, जिसे मैं किसी का मोबाइल नंबर समझ रहा था वो दरअसल एक कोड है जो कि उल्टा लिखा गया है। इसके लास्ट डिजिट है 26/11, यानी आज की तारीख 26/11। इसके बाद के डिजिट है 836, यानी आज रात 8:36 से लेकर 9936, यानी 9:36। और सबसे आखिर में ईटीसी ने कहा था कि धमाका होगा, धमाका यानी एक्सप्लोजन, ईटीसी एक्सप्लोजन थ्रू कम्युनिकेशन। इसका पासवर्ड है युक्ति, और अगर भगवान मेरे साथ है तो इस लैपटॉप का पासवर्ड भी शायद मेरे सामने ही है। इसका पासवर्ड है युक्ति। हे भगवान, मुंबई नहीं इस बार तो पूरे हिंदुस्तान को तबाह करने की तैयारी की है वानों ने। रात के 8:20 हो चुकी है, यानी 1:26:11 होने से बचाने के लिए मेरे पास मात्र 16 मिनट हैं। अब से चंद मिनटों के बाद वो समय आ जाएगा जिसने ठीक 1 साल पहले मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे देश को ही दहला दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 26/11 रात 8:36 की, जब आतंकवादियों ने पहली गोली मानवता के सीने पर दागी थी। 1 साल बाद कितनी सुरक्षित है मुंबई, इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस सोशलिस्ट राम भाई आपटे, विपक्ष के नेता विलास शिवराजन और युक्ति कम्युनिकेशन के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर हंसल बिरला। आप सभी का स्वागत है। कमिश्नर साहब, आप से शुरू करते हैं। 26/11 के 1 साल बाद कितनी सुरक्षित है मुंबई? मुझे पूरे देश को ये बताने में गर्व हो रहा है कि आज 26/11 के 1 साल बाद मुंबई पूरी तरह सुरक्षित है। हमारे सिपाहियों की चौकन्नी निगाहें 24 घंटे मुंबई की सुरक्षा कर रही हैं। अरे ये तो डोगा है। रुक जाओ डोगा, तुम अंदर नहीं जा सकते। अंदर आतंकवाद पर गहन चर्चा चल रही है। मिस्टर बिरला, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कमिश्नर साहब के विचारों से सहमत हैं? जी हाँ, मैं कमिश्नर साहब से पूरी तरह सहमत हूँ। मुंबई आज पूरी तरह सुरक्षित है। इसी के तहत आज रात युक्ति कम्युनिकेशन ने रात 8:36 से 9:36 को ईटीसी यानी इमोशन थ्रो कम्युनिकेशन आर घोषित किया है। मेरी जनता से गुजारिश है कि इस 1 घंटे के दौरान युक्ति कम्युनिकेशन के मोबाइल यूजर ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें, क्योंकि हर कॉल से प्राप्त धनराशि इंडियन पुलिस फोर्स को दी जाएगी। धड़ाक, आतंकवाद को रोकने के बजाय आधा देश आतंकवाद को मुद्दा बनाकर उस पर चर्चा करता है और आधा देश मूक दर्शक बनकर यह चर्चा सुनता है। इसलिए तो आतंकवाद हमसे 1 कदम आगे रहते हैं। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आज मुंबई सुरक्षित नहीं है, मुंबई सुरक्षित नहीं है। यदि आज रात 8:36 से 9:36 के बीच एक भी युक्ति मोबाइल यूजर ने कॉल किया तो मुंबई ही नहीं पूरा देश तबाह हो जाएगा। क्या बकते हो? ये हमारी राइवल कंपनीज की चाल है। वो नहीं चाहते कि युक्ति कम्युनिकेशन के यूजर कॉल करें जिसका फायदा देश को पहुंचे। उन्होंने ही डोगा को भेजा है। किसी भी कंपनी का निजी फायदा देश की सुरक्षा से बढ़कर नहीं है। अब जरा अपनी आंखों से पैसे व घमंड का पर्दा हटाओ और इस लैपटॉप की तरफ नजर डालो। यह ईटीसी नामक आतंकवादी का लैपटॉप है। ओ माय गॉड, इतनी खतरनाक प्लानिंग! ईटीसी नामक आतंकवादी ने ईटीसी नाम का एक वायरस लीक किया है जिसका पूरा नाम है एक्सप्लोजन थ्रू कम्युनिकेशन है। यह वायरस ठीक रात 8:36 पर एक्टिवेट होगा और अगले 1 घंटे में न सिर्फ कॉल करने वाली युक्ति मोबाइल यूजर के सिम को एक पावरफुल एक्सप्लोजिव में कन्वर्ट कर देगा, बल्कि उस शख्स के मोबाइल को भी एक्सप्लोसिव में कन्वर्ट कर देगा जिससे वो यूजर कॉल कर रहा है। यदि आप आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम करना चाहते हैं तो प्लीज अगले 1 घंटे तक डू नॉट टॉक फॉर इंडिया। ऐसे हर व्यक्ति की जान बचाने की जिम्मेदारी है आपकी जो ये टेलीकास्ट देख रहे हैं। यह वक्त डरने का नहीं, देश के लिए कुछ करने का है। 1 और 26/11 होने से रोकना अब आपके हाथों में है। इस वक्त रात के 8:30 हुए हैं, ठीक 6 मिनट बाद वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। इस वक्त ऐसे अनगिनत लोग होंगे जो टेलीकास्ट नहीं देख रहे हैं और वो 8:36 पर अपने सगे संबंधियों को कॉल करेंगे। अगले 1 घंटे तक देश का बच्चा बच्चा एक सिपाही बन गया जिसके कंधों पर मानवता को आतंकवाद से बचाने की जिम्मेदारी थी और पूरा देश इस जिम्मेदारी को निभा रहा था। कॉल मत करना, डू नॉट कॉल फॉर इंडिया। अगले 1 घंटे तक धर्म जाति प्रांत ऊंच नीच सभी भेदभाव मिट गए। पूरे देश में कुछ बचा तो वो था सच्चा भारतीय होने का एहसास। हर हिंदुस्तानी ने यह साबित कर दिया और इंसानियत से बड़ी कोई भाषा नहीं कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। 1 घंटा बीत चुका था, हैवानियत मानवता के सामने अपने घुटने टेक चुकी थी। देश की खामोशी टूटी डोगा की आवाज के साथ।
एक घंटा बीत चुका है, पूरे देश में एक भी धमाका नहीं हुआ। ये बात साबित करती है कि अगर पूरा देश एकजुट हो जाए तो बड़ी से बड़ी आतंकवादी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक घंटा बीतने के साथ ही ETC वायरस डीएक्टिवेट हो गया है। पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। आज ज़रूरत चौकन्ना रहने की, आतंकवाद के खिलाफ अपनी आंखें व कान खुले रखने की है, ना कि बंद स्टूडियो में बैठकर उस पर चर्चा करने की। आतंकवादी कभी एक जगह एक ही तरीके से दोबारा हमला नहीं करते। और तो हम हर बार क्यों कुछ करने के बजाय इंतजार करते हैं कि फिर एक 26/11 घटे और हम उस पर अफसोस कर सकें, उसे मुद्दा बनाकर चर्चा कर सकें। क्यों हमारी पुलिस आतंकवादी की खबर लाने वाले को ही आतंकवादी समझकर जेल में घुस देती है और अपनी पीठ थपथपाती है कि देश सुरक्षित है। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हर देशवासियों के हाथों में है। 26/11 के शहीदों को हमारी यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। हम कभी भी एक और 26/11 ना होने दें। देश की सुरक्षा आपके हाथों में है। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़िए, देश को बचाइए, मानवता को बचाइए। समाप्त।